क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे और कैसा रहा इस वक्त और गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है, खासकर कुछ तरफ जो रशिया के पास है वहाँ के बच्चे, दो बच्चे अभी तक मर भी गए सुनने में आ रहा है। हमारे तरफ रिलेटिवली सिचुएशन अच्छा था, मैं थोड़ा वेस्टर्न साइड रहता था और निकलने में बहुत प्रॉब्लम हुई यूक्रेन बॉर्डर में और पोलैंड बॉर्डर में, बट जब से एम्बेसी ने हमें टेक ओवर किया तब से बहुत आरामदायक रहा। एम्बेसी ने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया, होटल से लेके एकोमोडेशन, बुक फ्लाइट्स और वो सब हमें प्रोवाइड किया। फिर दिल्ली जब हम पहुंचे वहां से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की और यहां तक हमें पहुंचाया। तो थैंक्स फॉर ऑल द हेल्प वी गॉट फ्रॉम द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब आपको मालूम चला कि एक छात्र की मृत्यु हुई है इस लड़ाई में, तब आप लोगों के मन में कैसा डर था, वो सिचुएशन कैसा रहा? तब हम बॉर्डर पे फंसे हुए थे क्योंकि उस समय क्या है, बहुत मास लाइक बहुत लोग भाग रहे थे, तो हमारा चांस नहीं आ रहा था। बट हमें पता था कि हम जिस एरिया में वो रिलेटिवली सेफ है और हम एक दो दिन में निकल जाएंगे। डर तो था बट हमें लाइक पैनिक नहीं करना था, तो हमने अपने आप को उस काम किया और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करके हम निकले जैसे तैसे वहाँ से। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से वहाँ पढ़े? मैं लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ये वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, पोलैंड के बहुत पास है, तो मैं पोलैंड बॉर्डर के थ्रू आया हूँ। मैं पोलैंड गया था, मैं थर्ड ईयर में हूँ। क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा। इससे पहले आप लास्ट सिटी कब आए थे? इससे पहले मैं लास्ट 6 महीने पहले ही आया था। स्टार्टिंग से लेकर पोलैंड के बॉर्डर पहुंचने तक इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस, एकदम क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन जैसे पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया, फिर इंडियन एम्बेसी से मिले, फिर उसके बाद पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी की वजह से एवरीथिंग वाज स्विफ्टली डन और इधर तक हम आ पहुँचे, एंड थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी फॉर दैट। बट बिफोर दैट बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करना पड़ा, 40 to 45 kilometers लगेज लेकर चलना पड़ा हमको बॉर्डर तक, और कोई किसी ने कुछ भी नहीं बोला था। एंड -5 degrees में हम बाहर सोए जंगल के बीच में बॉर्डर्स में, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आफ्टर 1 week हम अभी घर पहुंचे, तो दैट्स ऑल आई वुड से। इससे कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई वहां पे? लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, लविव में ही है। लविव में थे उस वक्त जब एक भारतीय की मौत हुई? जी, जब हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तब हमको पता चला कि किसी की डेथ हुई है, तो उस टाइम हम खुद इतना टेंस और कन्फ्यूजन थे। ऑब्वियसली हमको बहुत दुख हुआ उनका न्यूज़ सुनकर, लेकिन इधर हमारे फ्रेंड्स बॉर्डर पे मिसिंग भी थे बहुत ज़्यादा, तो हम उनको भी ढूंढ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन था उस टाइम। आपका कोई फ्रेंड मिसिंग है या कुछ है? नहीं, अभी सब लोग हमारे ग्रुप के सब लोग मिल चुके हैं और वो लोग पोलैंड से फ्लाइट से आ रहे हैं अभी। इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहें? इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था देर वॉज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, लेकिन हम फर्स्ट बैच थे जो पोलैंड पहुँचे थे। फिर उसके बाद हमने बोला कि बॉर्डर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रहने का, देर वॉज नो शेल्टर, नथिंग। सो आफ्टर दैट स्लोली द गैप एंड द ब्रिज वॉज बिल्ट। उसके बाद बॉर्डर्स पे फिर एम्बेसी ने बस भेजना शुरू कर दिया, फिर एवरी थिंग वॉज सॉर्टेड। सो आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन एम्बेसी फॉर डूइंग दैट। क्या सेंगे? कौन से ईयर में आप? सेकेंड ईयर।